वीके न्यूज़ राष्ट्र के नाम। नमस्कार, दमदार बहस देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हेमंत केवलिया। दमदार बहस एक ऐसा शो है जिसका मकसद है आपके मुद्दों को हुक्मरानों तक अपने मंच के माध्यम से पहुंचाना, ऐसी बहस को परोसना जिसका कोई सार्थक अर्थ निकले, जो किसी निष्कर्ष पर जाकर पहुंचे। दमदार बहस में उन सभी मुद्दों को उठाते हैं जिनसे आपका सीधा सीधा सरोकार हो, यानी कि मुद्दे आपके, मंच हमारा, और जवाब देंगे हुक्मरान, क्योंकि हम पूछेंगे दमदार बहस में दमदारी के साथ दमदार सवाल। दमदार बहस में आज जिक्र छत्तीसगढ़ का होगा और वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जिसको देखकर आपका दिल झकझोर कर रख दे। दरअसल छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में धार्मिक झंडा लगाने को लेकर विवाद अभी शांत हुआ नहीं था कि राजधानी रायपुर में भगवा ध्वज से खिलवाड़ का मामला सामने आ गया, जहां पर सोमवार की रात जबरदस्त हंगामा हुआ। ऐसे में दो गुट आपस में भिड़े और इस दौरान सैकड़ों की हड़दंगी भीड़ ने डिवाइडर पर लगे झंडे को तोड़ दिया। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर पहले कवर्धा और अब रायपुर। जरा एम्बियंस के साथ इसको सुनिए और समझिए कि क्या स्थिति हिंदुस्तान के अंदर बन गई है, क्या स्थिति कांग्रेस शासित प्रदेशों के अंदर बन गई है, जहां पर हिंदू संगठन या फिर ये कहें कि जो ध्वज है हमारा, भगवा ध्वज का जिक्र अगर कर लिया जाए या फिर धार्मिक भावनाएं जो हिंदुओं की हैं उनको आहत पहुंचाने का काम किया जाता है। पहली कवर्धा की तस्वीर देखिए। तो ये पहले जो तस्वीर हमने आपको दिखाई दोस्तों, वो कवर्धा की थी, दूसरी रायपुर में, जहां पर इस्लाम जिंदाबाद के नारे लगे, एक जुलूस दरअसल निकल रहा था और जुलूस के दरमियान जब राधा कृष्ण मंदिर रायपुर में बीच चौराहे पर नजर आया तो वहां पर लगे हुए झंडे को, ध्वज को उखाड़ फेंकने का काम किया कुछ उपद्रवियों ने। हालांकि सोशल मीडिया पर इन लोगों को जिहादी कहा जा रहा है, लेकिन यहां स्थितियां ऐसी बन गई कि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की, दो दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि यह स्थितियां छत्तीसगढ़ के अंदर क्यों बन गई हैं, और यही वजह है कि हमको लिखना पड़ रहा है मजबूरी के साथ कि छत्तीसगढ़ में क्या मुगल राज आ गया। हालांकि अगर आगे की बात करें, इस पूरे मामले का अगर जिक्र किया जाए, इस हंगामे के तुरंत बाद ध्वज के अपमान के विरोध में हिंदू समाज और हिंदू संगठन के लोगों ने राधा कृष्ण मंदिर में भव्य महाआरती करके भगवा ध्वज फहराया। हम आपको बता दें कवर्धा में भी भगवा ध्वज के अपमान को लेकर सांप्रदायिक तनाव हो गया था। ये तस्वीरें दरअसल एक दिन बाद की सुबह की हैं जब वहां पर भगवा ध्वज लहराया गया, फहराया गया और पूरे गर्मजोशी के साथ वहां पर जय श्री राम के नारे तक लगे हैं। ये तस्वीरें निकलकर सामने आई अगले दिन की। लेकिन हैरानी है हिंदुस्तान के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर क्यों भगवा ध्वज पर अपमान करने के मामले सामने आ रहे हैं, पहले कवर्धा और अब रायपुर क्यों? कवर्धा में पहले यानी कि अक्टूबर का अगर जिक्र करें तो वहां जब लखीमपुरी हिंसा हुई थी, आप सभी जानते हैं, तो पूरा का पूरा कांग्रेस का जो जमावड़ा था वो उत्तर प्रदेश में शिफ्ट हो गया। खुद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी उत्तर प्रदेश के लखीमपुरी में आ गए और वो ये जिक्र करने लगे किसानों के साथ जो गलत व्यवहार वर्तमान की सरकार कर रही है उसके खिलाफ हम लामबंद हैं। लेकिन उन्हीं के प्रदेश में कवर्धा में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा था, हिंदू संगठन, हिंदुओं की आस्था, उन सभी को तार तार किया जा रहा था, उस पर वो दो शब्द बोलने को तैयार नहीं थे।
क्योंकि उन्हीं के विधायक उन्हीं के मंत्री का नाम भी निकलकर सामने आया कवर्धा में, जहां पर भगवा ध्वज के अपमान को लेकर सांप्रदायिक तनाव हुआ और कवर्धा की घटना में कुछ मुस्लिम युवकों की ओर से खंबे पर पारंपरिक रूप से लगाया गया भगवा ध्वज को उतारा गया था, अपमानित किया गया था। कवर्धा की घटना में सत्तारूढ़ कांग्रेस की सरकार पर उस क्षेत्र के विधायक का नाम सामने आया था। मंत्री मोहम्मद अकबर के दबाव में एक तरफा कार्रवाई का भी जिक्र हुआ था, जिसको लेकर विपक्षी दल यानी कि बीजेपी और खुद पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने लगे, क्योंकि उनके बेटे का भी नाम सोशल मीडिया पर लगातार उठ रहा था और उसी के चलते कार्रवाई वहां पर की गई और यही वजह है कि एक तरफा कार्रवाई करने का जिक्र हुआ। यही नहीं, छत्तीसगढ़ की सरकार पर पिछले कई सालों से योजनाबद्ध तरीके से रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों की नई अवैध कॉलोनियों बनाने और राज्य सरकार की तरफ से उन्हें वैधानिक दस्तावेज उपलब्ध कराने के आरोप भी लगते आ रहे हैं। कवर्धा का फिर से, क्योंकि लगभग दो महीने के बाद यानी कि 6 अक्टूबर की यह घटना है कवर्धा में, और आज का जिक्र करें 9 दिसंबर, लेकिन यह घटना जो हुई वो 7 दिसंबर की रात की है, जब वहां पर एक जुलूस निकाला जा रहा था और जुलूस के दरमियान हिंदू और मुसलमान यानी कि दो गुट जो थे वो आपस में भिड़े और आपस में ऐसे भिड़े कि धार्मिक जो झंडा हिंदुओं का होता है राधा कृष्ण के बाहर जो मंदिर था वहां पर जो ध्वज लगा हुआ था बकायदा रोड से उसको उखाड़ फेंका है। ये तस्वीरें अपने आप में कहती हैं कि आखिर हिंदुस्तान के अंदर कैसी मानसिकता के लोग रह रहे हैं। वो अलग बात है कि पुलिसिया कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर की गई, हालांकि इसमें कहीं किसी तरीके का कोई एंगल निकलकर सामने नहीं आता, लेकिन यह साफ तौर पर समझा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस शासित प्रदेशों के अंदर ये कैसी स्थिति है। एक देश जो सेक्युलर देश है वहां पर गंगा यमुनी तहजीब का जिक्र हम सभी करते हैं, लेकिन वहां सांप्रदायिक सौहार्द बनाने के बीच में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाले लोग ये कौन है? आखिर किसकी शय पर ऐसा काम किया जाता है? क्यों इस तरीके की स्थितियां आए दिन बढ़ती रहती हैं और उस पर हुक्मरान चुप क्यों होते हैं? पूछेंगे हम उन हुक्मरानों से ये सवाल कि आखिर ये क्या स्थिति है जहां पर दंगे फसाद का जिक्र करके किसी और पार्टी की सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता हो, लेकिन जब सवाल कांग्रेस शासित प्रदेश में उठे वहां पर दंगा हो और इस तरीके की घटनाएं सामने आए तो आप मौन धारण कर क्यों बैठ जाते हैं? हैरानी की बात यह है कि सोशल मीडिया के माध्यम से ही सही कोई भी इस तरीके का कमेंट सूबे के मुखिया की ओर से आया नहीं। हैरानी की बात यह भी है कि ऐसे पूरे गंभीर मामले को लेकर ना ही वहां के विधायक साहब और ना ही कहीं वहां का जनप्रतिनिधि कुछ बोलने के लिए तैयार है। वही स्थितियां कमोवेश कवर्धा में थी और कवर्धा में जिक्र इस बात को लेकर हुआ कि इस पूरे मामले पर एक तरफा कार्रवाई की गई थी, क्योंकि जब ध्वज वहां से हटाया गया, नीचे फेंका गया, उतारा गया, तो उसके बाद हिंदू संगठनों में एक आक्रोश था, एक बवाल उन्होंने फिर उसके बाद जब काटा तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई। उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई नहीं जिन्होंने हिंदू संगठनों को हिंदू की धार्मिक आस्था पर ठेस पहुंचाने का काम किया था। और वही स्थितियां अब रायपुर में है, तो इस पर यानी कि प्रदेश की राजधानी जहां से मुख्यमंत्री लगातार आते जाते रहते हैं, वहां ऐसी घटना अगर घट जाए तो फिर सवाल खड़े होने शुरू हो जाते हैं और वही स्थितियां आज भी हैं। इसी का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं, सीधा उनका तारुफ करवा दें। सुरेश जोशी जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता, बहुत स्वागत सर आपका। हमारे साथ लखपत बुटोला जी हैं, कांग्रेस के नेता। लखपत जी आपका बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र गोस्वामी जी धर्मगुरु हमारे साथ हैं। ए के मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए। ए के मिश्रा जी, शुरुआत आप ही से कर रहा हूं, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं जब निकलकर सामने आती हैं तो जाहिर है कि सोशल मीडिया पर तो ट्रेंड चालू हो जाता है कि छत्तीसगढ़ में क्या मुगल राज चल रहा है। यही वजह है कि पहले कवर्धा और अब रायपुर, क्या ये स्थिति है कांग्रेस शासित प्रदेशों में? क्या ये मान लें हिंदू महफूज नहीं, या फिर हमारी धार्मिक आस्था पर ठेस पहुंचाने का काम लगातार किया जाता रहेगा? देखिए, ये एक खास मानसिकता का ग्रुप है, कौम है। जो सवाल आप पूछ रहे हैं ना, वही सवाल लगभग 1400 साल पहले हसन और हुसैन ने भी पूछा था। गर्दनें कलम कर दी गई, वो भी मस्जिद में जब वो सजदा में पड़े हुए थे नमाज में। और मैं बताऊं, मुगल के टाइम पे दारा शिकोह ने भी यही सवाल पूछा था, तो उसके गर्दन को काट करके हाथी के पैर से वो करके यहाँ पे दिल्ली की गलियों में
फुटबॉल खेला था औरंगजेब ने, ठीक है। और अभी रिसेंटली आप ये देखिए, वसीम रिजवी साहब जो लखनऊ के हैं, यही सवाल पूछ रहे थे। तो ये देखिए, कोई कौम नहीं है, इनकी कोई मानसिकता नहीं है, ये एक लुटेरों का गैंग है। हालांकि इनको नहीं पता, ये इतने जाहिल ला इल्म है कि इनके जो अब्बा जान बैठे हुए हैं सऊदी अरब में, जहां से ओरिजिन हुआ है, जिस इस्लाम को ये अपना ढाल बनाते हैं, वहां पे फिल्म फेस्टिवल हो रहा है और उस फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन करने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति वहां पे एज ए चीफ गेस्ट गए हैं। और ये इस्लाम इस्लाम पता नहीं कौन सा इस्लाम, मुझे तो नहीं लगता है इनका किसी भी रिलीजन से, या तो ये बोल दिया जाए कि जिस रिलीजन का ये ढाल बना रहे हैं वो रिलीजन अपने आप में इतना गंदा है, इतना क्रूर है, या ये मान लिया जाए कि भाई ये लोग शैतानी खोपड़ी के आदमी है। तो मैं समझता हूँ इसमें कोई बहुत डिबेट उबेट करने की जो है बात नहीं है। पाकिस्तान भी कुछ ऐसे ही लोगों के कारण बना था, ये अभी नहीं, ये बहुत पहले से शिवाजी महाराज का भी जो ध्वज था वो भगवा था, उन्होंने वहां पे भी इसी तरीके से उत्पात मचाया था। तो जिस तरीके से शिवाजी महाराज ने इनको जवाब दिया था, उसी हिसाब से इनको जवाब देना चाहिए। दुख की बात एक चीज है जो आपने बोला कि शासन प्रशासन क्या कर रहा है। देखिए, कुछ सरकारें इस देश में ऐसी रही हैं सन 70 के बाद से, इतनी बड़ी सेना, इतनी बड़ी फौज थी, कश्मीरी लोगों का जब पलायन और हत्या हुआ तो उस वक्त जो गृह मंत्री थे मुफ्ती मोहम्मद सईद थे, अगर वो चाहते तो बड़े आराम से कंट्रोल कर लेते, लेकिन या तो उधर नीरो चैन की बंसी बजा रहा था या कुछ सरकारें ऐसी हैं। राम मंदिर पे गोलियां चली, सरकार जो है सोती रही, जो जिस सरकार ने ऑर्डर दिया। तो डेफिनेटली सरकार के ऊपर ये क्वेश्चन उठता है। मुझे तो ये लगता है कि कोई ना कोई सरकार में भी एक गैंग ऐसा है, या सरकारें ऐसी हैं, या उनके लीडर ऐसे हैं जो छुपे तरीके से यहाँ की जो जमीन की आइडियोलॉजी है, यहाँ पैदा हुए जो धर्म है, तीन चार धर्म है, और सौभाग्य से यहाँ के जो मूल धर्म है सभी का ध्वज प्रतीक जो है भगवा रंग है, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो। तो ये बहुत गहराई का विषय है और ऐसे आपताइयों से सावधान रहना चाहिए। ये हो क्या रहा है मैं आपको खुल के बताता हूँ। गजवाए हिंद वगैरह का कॉन्सेप्ट सबने पढ़ा हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन के पहले उसको टेस्ट करने का ये तरीका चल रहा है। हालांकि जनता बड़ी जागरूक है, आपने दिखाया कि जनता वहां पे पहुंच गई और उसको ध्वज को पुनर्स्थापित किया गया। यही चीज अगर किसी और रंग के झंडे को आप उखाड़ के फेंक दिए होते तो फिर देखिए क्या होता। ठीक लखपत जी, ओके ठीक लखपत जी, क्या जवाब है आपके पास? छत्तीसगढ़ के अंदर पहला नहीं है, दूसरा मामला निकलकर सामने आया है, किस तरीके से सारी चीजों को देखें? क्योंकि एक तरफ जिक्र होता है लखपत जी कि हिंदू या राम किसी की बपौती नहीं, लेकिन वहीं हिंदू धर्म पर ठेस पहुंचाने का काम भी लगातार होता है, तो उस पर चुप्पी साध लेते हैं कांग्रेस के नेता। ओके कहिए सर। पहली बात सुन लीजिए, सुन रहे हैं सर, आपकी इस विश्लेषण से मुझे बहुत बड़ी आपत्ति है कि आप कहते हैं हिंदू शासन कांग्रेस के शासन में क्या मुस्लिम राज के बने पर इस देश में 60 साल कांग्रेस ने राज किया, क्या आप इससे पहले एंकरिंग नहीं करते थे? लखपत जी, मैं तो सोशल मीडिया आपके माध्यम से आपको ये जानकारी दे रहा हूँ कि क्या ये स्थिति हो गई है कवर्धा के बाद रायपुर, यानी कि छत्तीसगढ़ की राजधानी के अंदर ये आलम हो गया कि हिंदू ध्वज को उतार कर फेंक दिया जाता है और कांग्रेस पार्टी का कोई कद्दावर नेता कोई ट्वीट तक नहीं करता, तो इसको किस तरीके समझे? कैसी मानसिकता के नेता आपके पार्टी में, बताइए आप, बताइए आप। सुन लीजिए, बिल्कुल मैं आपसे जवाब ही चाह रहा हूँ सर। हिंदुस्तान के अंदर अगर हिंदू संगठनों का झंडा नहीं रहेगा तो क्या मुसलमान संगठनों के झंडे लगा दें? वहाँ पर पाकिस्तान का झंडा लगा दें सर, ISI का लगा दें? अरे सुन लीजिए, न पहली बात सबको सुन रहा, पहली बात सुनो, 565 रियासतों को मिला के मेरा देश हिंदुस्तान कांग्रेस ने बनाया, मैं पहली बात सुनो, मैं उस सनातन धर्म की उस भूमि से आता हूँ जहाँ भगवान वगैरह बराट के धाम रहते हैं। आप सनातन की बात, जिस तरह से कुछ लोग अगर गलत काम करते हैं उसके लिए कांग्रेस दोषी है, ये क्या बोला छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने, क्या कमेंट किया बताइए ना सर, वही सवाल पूछ रहा हूँ, फिर आप एक इसको गोल गोल घुमाने की कोशिश करते हैं। मेरा सिंपल सवाल है, कवर्धा की घटना के बाद जहाँ पर आपके मंत्री का नाम सकल निकलकर सामने आया था, आज रायपुर की एक और घटना हो गई, किसने ट्वीट किया बताइए? मेरी बात मान्यवर, यदि आप सुनेंगे ठीक है, कहिए कहिए सर, कहिए आप बोल दीजिए, कहिए कहिए सुन लीजिए, कहिए मुझे 2 सेकंड कंटिन्यू बोलने दे, उसके बाद जो यदि आपको इंटरप्ट करना कीजिएगा। पहली बात मैं आपसे कह रहा हूँ, इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के पंडितों का पलायन हुआ था, उस समय केंद्र में किसकी सरकार थी, कौन गृह मंत्री था, कौन राज्यपाल था, गृह मंत्री कौन था? सुन लीजिए, गृह मंत्री के ऊपर सवाल उठाया है,
सुन लीजिए सुन लीजिए, राज्यपाल धर्म विशेष के गृह मंत्री के ऊपर सवाल, ये घटना भी धर्म विशेष के लोगों ने की है। अरे सुन लीजिए आप, सुन रहा मैंने आपको, आप ये बता केंद्र में किसकी सरकार थी, राज्यपाल कौन था, जगमोहन, हम जो पूछ रहे हैं आपको बताई नहीं है, बात यहाँ धर्म विशेष की हो रही है। अरे आप सुन लीजिए, सुन लीजिए, धर्म विशेष के लोग पूरी दुनिया में क्यों मचाते हैं। अरे सुन लीजिए पांडे भाई, सुन लीजिए, आपसे ज्यादा सनातन, ये जो सनातन धर्म में किसी प्रकार की परिस्थिति बनती देश में, केवल मैं पूछना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ के आपने बात की, इससे पहले 15 साल किसकी सरकार थी वहां पर, ये आप कह रहे थे रोहिणी, बताइए मामले क्या जा रहा था, नहीं बताइए मामले, कितने मामले निकलकर सामने आ गए, ऐसी कितनी घटनाएं हो गई बताइए, रमन सिंह के शासनकाल में बता दीजिए, आप गिनवा दीजिए थोड़ा, मैं ग्राफिक्स के जरिए चला लूंगा, लखपत जी पुटोला साहब मैं चला लूंगा थोड़ा ग्राफिक्स के जरिए, मेरी भी नॉलेज थोड़ी दुरुस्त हो जाएगी, बताइए आप, बताइए रमन सिंह ने, रमन सिंह के शासनकाल के दौरान कितनी घटनाएं कवर्धा के अंदर हो गई और कितनी घटनाएं रायपुर के अंदर हो गई, जहां पर हिंदू संगठन या फिर भगवा ध्वज को उतारकर फेंक दिया गया हो और वहां पर बवाल कटाओ, बताइए आप, मैं चलाऊंगा। आपको मिर्ची लगेगी तो आप मुझे बोलने नहीं दोगे क्या, ये दूसरे की परत, आप कांग्रेस से किस तरह का प्रश्न उठा रहे, आप राज्य सरकार के सवाल उठाते, मैं पूछना चाह, राज्य सरकार ने एक्शन नहीं लिया, उन लोगों को गिरफ्तारी करने का काम है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं दिया, तो आप उससे सवाल पूछ सकते हैं, पहली बात है। दूसरी बात मैं कह सकता हूँ, यदि राज्य में परिस्थितियां बिगड़ती है, मैं कह सकता हूँ कि ऐसी सरकारों को बिल्कुल निराश, हम कंडम करते हैं इस वक्त की घटना का, हम दीजिए इस्तीफा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को बोलिए इस्तीफा दे, वो उनको बोलिए जाकर, आप ही शुरुआत कर दीजिए, अभी आप शुरुआत कर दीजिए कि मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे, कहिए आप कि एक हिंदुस्तान के अंदर हिंदू संगठनों के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं बल्कि सभी वर्गों की सुरक्षा की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के नाम पर होती है लखपत जी, लेकिन हैरानी इस बात को लेकर है कि आप डिफेंड कर रहे हैं, आप कम से कम गलती को तो मानिए, स्वीकार तो कीजिए, जो कवर्धा में हुआ गलत हुआ, आप कहिए। अरे सुन लो ना, मैंने कहा, सुन लीजिए, मैंने कहा मोदी जी के मंत्री ने रौंद दिया था, 700 से ज्यादा किसान मरे, आपने मोदी जी को कहा इस्तीफा दीजिए। सर जब वो टॉपिक पर बात हुई लखपत बुटोला साहब, या तो आप आ नहीं पाए होंगे या फिर अगर आप आए होंगे तो उसके लिए आपके पास जवाब मिला नहीं होगा, ये सारे कार्यक्रम चलाए गए, ये जानकारी मेरे को देने की आवश्यकता आपको है नहीं, जिस कार्यक्रम में आपको बैठाया गया है, जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है उसका जवाब दे दीजिए, मेरे को सिंपल बताइए लखपत जी कि कवर्धा में जो घटना हुई उसको लेकर क्या शोकाकुल हुई, कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा नेता किसी ने कोई कमेंट किया जहां पर आपके मंत्री का नाम आया, अकबर साहब का नाम आया, कुछ कहा आपने, बताइए आप। अरे सुन लीजिए, वही राजधानी में हो गया, सुन लीजिए, मैंने कहा है कोई विधायक हो, मंत्री हो, कोई कानून से ऊपर नहीं, सनातन धर्म से किसी तरह की चोट बर्दाश्त नहीं की जा सकती है, यदि इस तरह की घटना हो, हमारे पास सरकारें हैं, राज्य कानून व्यवस्था, उसके अलावा न्यायपालिका के अलावा हमारे पास अपने पास केंद्र में सरकारें हैं, यदि कोई भी इस तरह की घटना करता है उसको आतंकवादी मान के जेल डाला जाए, हमने कहीं रोकने का काम नहीं, चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, मैं कहना चाह रहा हूँ, हाँ मुख्यमंत्री ने जो घटना, मैं कह रहा हूँ ये घटना निंदनीय थी, चाहे वो हमारे, बताइए लखपत जी आप इसको लेकर निंदा कर रहे हैं लेकिन उस सूबे का मुखिया निंदा नहीं कर रहा, ये समस्या है ना, मैं यही जानना चाह रहा था। ओके सर, अब मैं आ रहा हूँ आपके पास, अब मैं आ रहा हूँ लखपत जी, क्योंकि मेरे पास और भी मेहमान है, उनके पास जाना होगा, सुरेश जोशी जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता। सुरेश जी, आपने तो कवर्धा में जाकर बवाल काट दिया लेकिन रायपुर में एक बार फिर से ऐसी घटना सामने आ गई, लखपत जी प्लीज, आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ लखपत जी, आपसे जवाब ले लूंगा, सुरेश जी हमारे साथ हैं, सुरेश जी कहिए कीजिएगा जी, सुरेश जी आप अपनी बातों को, अपने पक्षों को देखे, हम किस तरह के शब्दों का, सुरेश लखपत जी आ रहा हूं मैं, एक बार सुरेश जी को इंट्रोड्यूस कर लूं उसके बाद वापस आ रहा हूं, सुरेश जी और बहुसंख्यक समाज की भावना, उसका उसकी परंपरा, संस्कृति, उसका धर्म, इन सब चीजों को कहीं कहीं कमजोर करने के लिए कुछ देश में जो ताकतें हैं वो कुछ उन देशों में ज्यादा सक्रियता से दिख रही है जिन प्रदेशों के अंदर उस मानसिकता की सरकारें हैं जी। अगर अब देखिए मतलब सब के अंदर कुछ उसको कहीं कहीं उन्हीं राज्यों में इस तरह की चिंताएं हो रही है, हमारे मंदिर को क्या कर रहा है, हमारे जो पूजा संस्थान है उसको कहीं विकसित करने की कोशिश है, इसका सबसे बड़ा कारण है ऐसी घटनाएं होती है जहाँ पर भी जो सत्ता है सत्ताओं को भरना कार्य होते हैं, तो अगर हिंदू के पर बहुत समाज
इस तरह का ठिकाना खत्म है, मंदिर के निकाल कर क्योंकि उसको जलाने का प्रयास करता है या वहां पर कोई अपमान देना प्रयास करता है, तो आखिरकार कब तक छिप रहे इस सीमा तक तो छिप रहे, यानी बहुसंख्यक समाज की प्रगति के लिए देश के उत्थान के लिए अपनी परंपरा अपनी संस्कृति अपना धर्म सबका बलि नहीं दे सकता ना। तो हमारे देश का क्या हर जागरूक है प्रतिकार है, उसको अपने धर्म के बारे में पता है, उसको अपनी व्यक्ति के बारे में पता है, उसको अपनी स्त्रियों के बारे में पता है, उसको भारत पर कैसे पता उसकी संस्कृति और उसके धर्म की पूरी जानकारी है, ठीक है। सुरेश जी मैं लौट रहा हूँ, आपकी आवाज बहुत ज्यादा क्लियर मेरे को प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, इसलिए मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। हमारे साथ धर्मेंद्र गोस्वामी जी धर्मगुरु हैं, इसको दुरुस्त करके वापस लौटता हूँ सुरेश जी आपके पास। गोस्वामी साहब किस तरीके से इन सारी चीजों को देखें और समझें कि एक तरफ कवर्धा में घटना अक्टूबर में होती है 6 तारीख को, और अब 2 महीने के बाद फिर से रायपुर में ऐसी घटना हो जाती है जहां पर हिंदू भावनाओं को ठोस पहुंचाने का काम किया जाता है, वो अलग बात है पुलिसिया कार्रवाई हो गई लेकिन कोई नेता कमेंट करने को तैयार नहीं। देखिए इसको अगर राजनीति के स्तर से देखा जाए तो इसमें सबसे अहम भूमिका कांग्रेस की है, और कांग्रेस का जन्म ही इस्लामिक प्रवृत्ति से हुआ है, तो कांग्रेस से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। मैं तो ये कहना चाहूंगा ये घटना इतनी निंदनीय है कि अगर सरकार कुछ नहीं कर पाती है तो भगवा को, अगर जिस तरीके से भगवा को काटा गया है, मैं भारत सरकार से गुजारिश करूंगा कि सिर्फ आधा घंटे की मौलियत दे दे, इस गंदगी को साफ करने में मात्र आधा घंटे लगेगा, हमारे पास खर्चा भी है, हमारे पास सिर्फ पुल भी है और हमारे पास शक्ति भी है, हमारी मंत्र शक्ति में आधा घंटे के अंदर ये गंदगी देश से साफ करके दिखा देंगे। ये भगवा का चैलेंज है और मैं चैलेंज करता हूँ इस तरीके की घटना पर अगर कांग्रेस ने जो एक्शन नहीं लिया है और जो कांग्रेस के जो नेता है वो जो चुपचाप बैठे हैं जो राजनीति को चमका रहे हैं उनका विनाश होना निश्चित है। इस बार वो जिस तरीके की राजनीति का समय बदल चुका है, अब राजनीति में वापस नहीं आने वाले हैं इस तरीके की राजनीति करके किसी भी धर्म के खिलाफ। ये जो निकल के आ रही है कार्रवाई करते हुए इससे कुछ नहीं होता है कि गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करने से क्या होता है, कोई नेता तो कुछ नहीं बोला ना, किसी ने इस्तीफा दिया ना कुछ किया। इस तरीके की घटना जो हो रही है मैं भारत सरकार से गुजारिश करता हूँ मात्र भगवान को आधा घंटे से टाइम कर दे, इस गंदगी को साफ करने का हम दावा करते हैं। चलिए ठीक है, हालांकि इस तरीके की स्थितियां पैदा करने की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए, पुलिस प्रशासन के नुमाइंदे हैं जो अपनी कार्रवाई करने के लिए आगे रहें, वो अलग बात है कि इस मामले में भी 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। कि मिश्रा जी क्योंकि जब हम सवाल कांग्रेस पार्टी के नेताओं से पूछते हैं तो बड़ी दिक्कत उनको हो जाती है, सवाल इस वजह से भी पूछा जाता है कि एक तरफ आप कहते हैं कि कृष्ण को लेकर राजनीति ना करो, राम को लेकर राजनीति ना करो, लेकिन जब हिंदू संगठन का अपमान, हिंदुओं का अपमान हो तो उस पर चुप्पी वो साध लेते हैं। देखिए साहब ये बड़े डिप्लोमेटिक है, मैंने आपको शुरू में ही बोला कि जो सवाल आप पूछ रहे हैं वही सवाल 1400 साल पहले हसन हुसैन ने पूछा था, दारा शिकोह ने पूछा था, नदीम रिजवी अभी लखनऊ के हैं उन्होंने पूछा था, आपको जवाब नहीं मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ एक चीज है और सरकारों की भी अपनी लिमिटेशन होती है, मैं आपको फ्रेंकली बताऊं कब तक सरकारों के भरोसे कोई रहेगा। आपको अपने धर्म आपको अपने धर्म की अगर रक्षा करनी है तो खुद ही आपको एक्टिव होना पड़ेगा, खुद ही आपको जागरूक होना पड़ेगा। आखिर इस संविधान में अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने धन की रक्षा के लिए अधिकार तो दिए हैं, मौलिक अधिकार दिए हुए हैं ना। तो मैं समझता हूँ इन लोगों से सवाल वाल नहीं पूछना चाहिए, जनता जो है इनके ऊपर जो है जो जनता के अपने अधिकार हैं संवैधानिक दायरे में रह के वो जो है अपने कर्तव्यों का पालन जनता करेगी। और हाथ में कलावा पहन के टीवी में दिखाने से ऐसे लोगों से जो छत में हिंदू बने घूम फिर रहे हैं और हिंदू धर्म का ही विनाश कर रहे हैं उनको एक्सपोज करने की जरूरत है। नहीं कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, ऐसे बेवफा तो नहीं है लखपत जी, ऐसी स्थितियां तो खैर नहीं होंगी। मजबूरी एक ही है, मजबूरी एक ही है, मुंह में राम बगल में छुरी एक बहुत बड़ा एजेंडा। मैंने आपको बताया इनके जो आका बैठे हुए हैं सऊदी अरब में जहाँ फिल्म की बात करना गुनाह माना जाता है, सरतन से जुदा हो जाएगा, वहाँ आज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा है और उसका इनॉग्रेट करने के लिए फ्रांस का एक बहुत बड़ा काफिर जो है नेता है जो वहाँ का राष्ट्रपति है उसको बुलाया गया है जी। पता नहीं वहाँ के जो एनडीए से वो काफिर हो गए कि इस्लाम बदल गया क्या हो गया। भारत में जो है ये कोई बदलाव नहीं आ रहा है, तो मैं तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि इतने सालों की जो इस तरह की मानसिकता के लोग हैं आप कोशिश करके देख लीजिए शायद बदल जाए। मुझे तो नहीं लगता, कोई एक उदाहरण
बता दीजिए कि अब ये बदल रहे हो, मुझे बताइए ना। ओके लखपत जी, यही सवाल आपसे भी है मेरा, फिर आप कहेंगे मौका नहीं मिलता है। मैं सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ, इसका सीधे शब्दों में जवाब दीजिएगा प्लीज, कि अगर बात कृष्ण की होती है तो आप कहते हैं कि राजनीति शुरू कर देते हैं आप लोग, बात जब राम की करनी शुरू की जाती है, ये तो बपौती है, पेटेंट थोड़ी है बीजेपी के, इनकी बात क्यों करते हैं, तो राजनीति करते हैं। लेकिन जब बात हिंदू की आस्थाओं की आस्था की होती है, भगवा ध्वज के अपमान की होती है, तब साइलेंट मोड में आप लोग चले जाते हैं, और वहां जहां पर आपकी सरकार हो। कहिए सर। मैं 30 सेकंड, 1 मिनट मुझे इंटरेक्ट मत कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल क्या बिल्कुल। मैं पहले बात, आप जानते हैं कि काशी विश्वनाथ में जीर्णोद्धार हो रहा है, भव्य जीर्णोद्धार, मोदी जी करें, स्वागत करें उसका, लेकिन उसमें पॉलिटिक्स नहीं हुई तो हमने स्वागत किया। मैं आपसे पूछता हूं, यही जीर्णोद्धार जब गुजरात सोमनाथ मंदिर का किया गया था 1948 में तो कांग्रेस ने किया, लेकिन राजनीति नहीं की उस पर। निश्चित रूप से जीर्णोद्धार किया जाना चाहिए, लेकिन जब भगवान राम के नाम पे 1990 में 14,000 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा होता है और उस चंदे का पता नहीं चलता है, और टॉयलेटों में भगवान राम की फोटो लगा देते हैं प्रचार के लिए, और बाहर घटनाएं इस तरह के जिस तरह से भूमि घोटाले हो रहे उस पर हमें आपत्ति है। पहली बात है, कुंभ घोटाले में हमारे जोशी जी कह रहे थे सनातन धर्म, आपने बद्रीनाथ में, आपकी सरकार उत्तराखंड में बद्रीनाथ में इस समय क्या कहते हैं, नमाज पढ़ी गई, आपने क्या एक्शन लिया घोटाला, बद्रीनाथ में नमाज पढ़ी गई, आपने क्या एक्शन लिया, कुंभ में इतना बड़ा घोटाला हो गया, आपने क्या 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 आपने कुंभ के अंदर इतना बड़ा घोटाला हो गया, क्यों कौन सा आपने एक्शन ले लिया। पहली बात सुन लीजिए, अंतर ये है, सुन लीजिए अंतर ये है, मैं आप बताता हूँ, सुन लीजिए मान्यवर। ओके, नहीं लखपत जी, कुंभ में इतना बड़ा घोटाला हो गया, उसके बाद आपकी सरकार आई, आकर चली भी गई, कुछ कर पाई क्या सर? रोका था कांग्रेस पार्टी को किसी ने? अभी हुआ नहीं, रोक पाई क्या कांग्रेस पार्टी को? रोका गया था क्या सरकार को? रोका गया था लखपत? अरे सुन लीजिए सर, हम तो सुन ही रहे हैं, लेकिन आप उसका जवाब तो दीजिए ना। आपने एक आरोप लगा दिया कि कुंभ में बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, मध्य प्रदेश में सरकार चली गई, उसके बाद आपकी सरकार आई, वो अलग बात है, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जो उतराए थे सिंधिया जो है वो चले जाते हैं, फिर आप कहते हैं कि वो महत्वाकांक्षी थे, क्या हुआ फिर सर, क्यों नहीं कर पाए कुछ? रखिए ना सर, लाइए, मैं तो कहता हूं सलाखों के पीछे डालिए, डालिए बीजेपी के बड़े नेताओं को, अगर घोटाले में शामिल है तो डालिए आप, किसने रोका है? सुन लीजिए, आपको पूरा ज्ञान ही नहीं, मैं उत्तराखंड में आरटीपी कैसे दुनिया का सबसे बड़ा कुंभ घोटाला हुआ, हरिद्वार के अंदर, हरिद्वार की बात कर रहा हूं मैं, 2020 में। तो वहां पर आपकी सरकार, वहां पर आपकी सरकार नहीं रही, बदलेगी जेल जाएंगे, सरकार बदले की जेल जाएंगे भाजपा के। मुद्दे को भटका दे रहे हैं, मुद्दे की बात करिए, इधर उधर की बात मत करिए, अभी जिस घटना पे काम हो रहा है उस घटना की जो बात हो रही है उस पर बात कर रहे हैं ना। अब सुन लीजिए मैं उस घटना पे बात कर रहा हूँ मान्यवर, सुन लीजिए, आप स्वामी होकर के आप कह रहे हैं कांग्रेस की मानसिकता ये है, यही मानसिकता से आप स्वामी बने हुए हैं उत्तराखंड दोस्त, मैंने कहा 565 रियासतों को मिलाकर हिंदुस्तान सर, किसी की कोई पार्टी की कोई पार्टी किसी को क्या कांग्रेस ने किसी पार्टी के जरिए कोई अरे सुन लीजिए कैसी बात कर रहे हैं लखपत जी आप, 1936 में कोई पार्टी बनाती है क्या मुस्लिम, शंकराचार्य कोई पार्टी बनाती है हिंदुस्तान के अंदर? शंकराचार्य पार्टियों ने बना दिया क्या? बीजेपी ने बनाया फिर कांग्रेस पार्टी ने बनाया, बताइए आप। ओके, लेकिन लखपत जी बड़ा अफसोस है मुझे, लखपत जी बहुत अफसोस के साथ ये कह रहा हूँ, जो सवाल पूछा था उसका जवाब नहीं मिला, गोल गोल घुमाते रहे, ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद फिर वापस आ रहा हूँ और लखपत जी इसका जवाब लूंगा, जवाब हो तो दीजिएगा, छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल, वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।